हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया है जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट के फैसला का। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ बोल दिया था केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन लागू कर दिया जाए क्योंकि वो भी सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी केंद्र के सशस्त्र बल में उनका भी नाम शामिल होता है, जबकि आपको बता दें केंद्र सरकार सिर्फ उनको सैनिक दृष्टि से देखती है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस दृष्टि से देखती है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो केंद्र सरकार ने रोक लगवा दी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगवा दी है दोस्तों। और जब जस्टिस, आपको बता दे, जब एडवोकेट अंकुर छिब्बर ने समय मांगा तो बोला कि पुरानी पेंशन अर्धसैनिक बलों के लिए देने के लिए इतना जरूरी नहीं है, इतना अर्जेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस पर बाद में बात किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, समय मांगा, बोला 6 से 8 सप्ताह और लगेगा, फिर से उस पर सुनवाई होगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अभी रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसला पर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ बोल दिया था कि अर्धसैनिक बल 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी नियुक्त हुए हैं सबको पुरानी पेंशन दे दिया जाए क्योंकि वो भी सशस्त्र बल हैं, केंद्र सरकार के सशस्त्र बल हैं, जबकि केंद्र सरकार उसको सिर्फ सैनिक दृष्टि से देखती है, उसको सिर्फ पुलिस की दृष्टि से देखती है। यहां दोस्तों, यही दो नियम, एक देश दो विधान जो है असंतोष पैदा करता है सेना में। आपको बता दें बीएसएफ के जवान उसमें हैं, उसमें आईटीबीपी के जवान है, सीआईएसएफ के जवान है दोस्तों, इसमें बीएसएफ के जवान है दोस्तों, इसमें एनएसजी कमांडो हैं, इस सारे जो अर्धसैनिक बल हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको भी पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। इसके अलावा जितने भी सरकारी कर्मचारी है उसको भी पुरानी पेंशन मिलना चाहिए क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, ये इनका वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता, बुढ़ापे का लाठी का सहारा है ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार देने को राजी नहीं है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में जाकर सोचिए कितना बड़ा झटका लगा है, कितना बड़ा, संवेदनशील सरकार होती तो इसको रोकती नहीं। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट का फैसले को सुप्रीम कोर्ट को भी मान लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी रोक लगाई है और आगे 6 सप्ताह या 8 सप्ताह के बाद बोला है कि आगे इस पर कार्रवाई किया जा सकता है, ये ज़्यादा अर्जेंट मैटर अभी फिलहाल नहीं है। तो आप बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा जब आप संघर्ष करोगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप जो ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ता है, वोट फॉर ओपीएस, रीस्टोर ओपीएस, उसको आप साथ दोगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको बता दें अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से ओपीएस का डिमांड, जिस तरह से ओपीएस का चर्चा पूरे देश में फैला हुआ है, अगर ये मुद्दा इसी तरह से लगातार जारी रहे, इसी तरह से लहर पैदा करते रहें आप लोग, तो ओपीएस लागू हो जाएगा सभी केंद्रीय कर्मचारियों को। हर एक राज जो आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे हर एक राज ओपीएस लागू कर रही है अपने केंद्रीय कर्मचारी, अपना राजकर्मी को। जी हाँ दोस्तों, वो भी जानती है कि जो सरकारें होती है उसकी आँख नाक कान होती है केंद्रीय कर्मचारी, उसकी आँख नाक कान होती है राजकर्मी। जी हाँ दोस्तों, उसका जो भी योजना है जमीनी स्तर पर उतारता है केंद्रीय कर्मचारी, जमीनी स्तर पर उतारता है राजकर्मी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार का रेप्लिका माना जाता है सरकारी कर्मचारी, लेकिन सरकार खुद तो ओपीएस ले रही है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है उसको एनपीएस का झुंझुना थमा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है अपने देश में। हर घर तिरंगा चल रहा, हर घर ओपीएस का डिमांड अगर इसी तरह से चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर 24 घंटे सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेवा करता है और उसको 40 साल या 35 साल सेवा करने के बाद जब उसको एनपीएस थमा दिया जाता है, सोचिए क्या वो सुरक्षा करता है। तो आप सोच सकते हैं कितना विरोधाभास है। और जो लोग नेता हो या विपक्ष के लोग हो, सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रहा, सोचो आप, सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है। आप एसी में हैं, आपको ओपीएस मिल रहा है, जो लोग बॉर्डर पर हैं उनको आप एनपीएस थमा दे रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारियों का सारा रिवेन्यू जनरेट करके सरकार तक पहुंचाती है, जो सरकारी कर्मचारी सरकार का हर एक योजना को धरातल पर उतारती है उसको आप एनपीएस थमा दे रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है। आधे कर्मचारी को ओपीएस मिल रहा है, आधे कर्मचारी को एनपीएस मिल रहा है, जो बुढ़ापे का लाठी का सहारा, वित्तीय सहायता, जिनको वित्तीय आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाता है, उस केस में जब आप उसे वित्तीय सहायता देते हैं तो सामाजिक सुरक्षा उसको मिलता है, तो वो सब चीज़ें देनी चाहिए सरकार को। और हमारा देश जब इस तरह की वेलफेयर का काम करती है तो देश महान बनता है। और अभी देखिए आर्थिक स्थिति हमारे देश का काफ़ी मजबूत हो चुका है, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं हमारे 5वां अर्थव्यवस्था बन चुका हमारा देश,
तब हम लोगों को ओपीएस के जगह पर एनपीएस थमा दिया गया। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास हमारे देश के अंदर चल रहा है। तो लगातार आप लोग जिस तरह से विजेंद्र धारीवाल पीवीएस के जो नेता हैं हमेशा पेंशन की मांग कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में, पूरा महाराष्ट्र में, अटेबा एनएम ओपीएस के जितने भी यूनियंस लीडर्स हैं सभी लोग महाराष्ट्र में भी ओपीएस का मांग कर रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि उन्होंने शिक्षकों के लिए और कर्मियों के लिए ओपीएस लागू करने जा रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे योगी सरकार ने भी कुछ के लिए ओपीएस लागू किया है, तो धीरे धीरे लागू सरकारें कर रही है। तो फिलहाल हम आपसे यही कहेंगे, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज नहीं तो कल ओपीएस लागू होगा। इसी पॉजिटिवनेस के साथ चलते रहें और अटेबा एनएम ओपीएस को साथ देते रहें। जय हिंद।